Hey guys, welcome back once again on my channel. मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके सामने बहुत ही जबरदस्त बाल को बढ़ाने का, बाल को मजबूत करने का एक DIY लेकर के आई हूं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। इसके पहले भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे DIYs और साथ के साथ ही वेट लूज के भी टिप्स वगैरह डालती रहती हूं, भर भर के मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। अगर आपको जरूरत है तो जरूर से जरूर मेरा चैनल विजिट करिए। और आज का DIY दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है आपके बालों को लेकर के। अगर आपके बाल बिल्कुल झड़ते हैं, मुलायम नहीं है, टूटते हैं, लंबे नहीं होते हैं, तो उन सभी चीज़ों का इलाज जो है ना आज का ये DIY आपका करेगा। इसके पहले भी मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त DIY हेयर ऑयल बनाया है जो कि बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया और सभी ने बहुत ही अच्छी रिस्पांस दिए है। तो वो जो DIY है ना मैजिक ऑयल वाला, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बाल लंबे, घने और मजबूत इतने ज़्यादा हो जाएंगे, टूटना झड़ना एकदम से बंद हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसका जो है DIY वाला आपको यहाँ पे आई बटन पे मिलेगा, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो आज का DIY भी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेगा, टूटना झड़ना बंद करेगा और साथ के साथ आपके बालों की लंबाई जो है ना बहुत ही अच्छी होगी, ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। तो घबराइए नहीं अगर आपके बाल छोटे हैं, टूटते झड़ते हैं, तो ये वाला DIY और आई बटन में जो बताया है मैजिकल ऑयल का, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ के साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मैजिकल DIY का नुस्खा, लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों आज का DIY बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है चावल। नॉर्मली जो आप चावल खाते हैं, आप घर में जो भी चावल खाते हैं दोस्तों, बासमती हो या फिर नॉर्मली जो भी चावल आप खाते हैं, वो चावल आपको लेना है। तो ये देख सकते हैं मैंने लिया है नॉर्मली, ये इसको सोना मंसूरी बोलते हैं, वो चावल लिया है। यहाँ पे आप बासमती चावल कोई भी ले सकते हो जो भी आप खाते हो। तो लगभग 3 से 4 चम्मच ही आपको लेना है। और लेने के बाद इस चावल को आपको दोस्तों पहले स्टेप में क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि चावल में हमेशा पाउडर या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा चीज़ होता है जो कि हमारे बाल के लिए शायद अच्छा ना हो। तो एक बार चावल को क्या करना है, 1 से 2 पानी से आपको इस तरीके से आपको चावल को रब करके अच्छे से धो लेना है। चावल में बहुत ज्यादा भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे मैं आज चावल को इस्तेमाल कर रही हूँ अपने आज का DIY बनाने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है, चावल को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है लगभग 2 पानी से। 2 पानी से वॉश करने के बाद हमने तीसरा पानी इसके अंदर डाल देना है। आपको लगभग 1 ग्लास या फिर 1 कटोरी भर करके पानी इसको डाल देना है और इस चावल को आपको दोस्तों यहाँ पे भिगोना है मिनिमम 2 घंटे तक। आप इसको ओवरनाइट भिगोइएगा तो और भी ज़्यादा फायदे होगा, क्योंकि चावल जब फर्मेंट होता है तो उसका एक पानी में बुलबुला जैसा निकलता है। फर्मेंटेड चावल जो होता है उसका पानी जो होता है ना हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है पूरी तरह से पानी के अंदर आ जाता है और उससे अगर आप अपना DIY बनाइएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये वाला पानी को आपको निकाल लेना है इस वाले चावल से और इस चावल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने में, जैसे चावल बना सकते हैं, पका सकते हैं, वेस्ट ना करें। और नॉर्मली आप DIY वगैरह भी बना सकते हैं, बहुत सारे चावल के DIY होते हैं। तो ये देख सकते हैं चावल का जो पूरा गुण होता है, पूरा चावल जो पानी है वाइट हो चुका है, यानी कि बहुत ही अच्छे से फर्मेंटेड हुआ है। मैंने इसको लगभग 2 घंटे पानी में छोड़ा था। तो चावल हमने लिया है, चावल का पानी लिया है, चावल को साइड में रख दिया। अब दूसरा इंग्रेडिएंट्स है वो हमारा है एलोवेरा। एलोवेरा के तो बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं हमारे बालों के लिए, बालों को बहुत ही ज़्यादा नरिश करता है, लंबाई बढ़ाता है, ग्रोथ अच्छी करता है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम बढ़ता है। तो मैंने यहाँ पर एलोवेरा का जो है जेल हमेशा निकाल के रखती हूँ, फ्रेश एलोवेरा जेल, उसको ग्राइंड कर लेती हूँ उसके अंदर का पल्प निकाल करके और जब भी इस तरह का DIY बनाती हूँ उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो लगभग 3 से 4 चम्मच आपको यहाँ पे एलोवेरा का जेल ले लेना है, फ्रेश एलोवेरा जेल। आप यहाँ पे नॉर्मली बाजार वाला भी जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 2 से 3 चम्मच, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ये हमारा है शैम्पू। आप जो भी शैम्पू करते हैं अपने बालों के लिए वो इस्तेमाल करें और बस शैम्पू में आपको सिर्फ ये 2 चीज़ ही मिलाने हैं। इससे आपके बाल की जो लंबाई है, खासतौर पे आपके बाल की चमक बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, बाल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। अगर आपके बाल की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बहुत ही जल्दी आपके बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा जो है आज का DIY बन करके रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको लगाने चलते हैं। तो दोस्तों आज का ये हमने जो DIY बनाया है इसको यहाँ पे मैं लगाऊंगी, तो मैं बाथरूम में कंफर्टेबल नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा आपको लगा के दिखाती हूँ कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने नीचे बकेट रखा है ताकि पानी नीचे गिरे नहीं। इसको जैसे नॉर्मली आप शैम्पू लगाते हैं वैसे आपको यहाँ पर आपको बाल में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये इस तरह की इसमें हाथ की मदद से आपको दिखाती हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं स्कैल्प पर लगाती हूँ,
इस तरीके से, क्योंकि शैम्पू डाला है तो अच्छे से शैम्पू वाला जो बाद है ना थोड़ा सा फेन होगा। इसको लगा के दोस्तों आपको जो है आपके बाल में तुरंत नहीं वॉश करना है, लगा के कम से कम 5 मिनट तक आपको आपके बालों में रखना है। पूरे बाल को इससे इस्तेमाल करें, पूरे बाल पे लगाएं ये। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, नॉर्मली आप जैसे शैम्पू करते हैं। एलोवेरा और चावल का जो पानी है ना, ये हमारे बाल के जो जड़ों को और साथ के साथ ही पूरे बाल को नरिश करता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वैसे भी नॉर्मली बोलते हैं लोग कि चावल के जो पानी होते हैं उसको फेंकना नहीं चाहिए, पेड़ पौधे में भी लोग डालते हैं, जिससे हमारे पेड़ की ग्रोथ अच्छी होती है, पेड़ की जड़ों मजबूत होती है और पेड़ जो है ना अच्छा खासा ग्रोथ होता है। सेम वही अप्लाई हमारे बाल पे भी होता है, इसीलिए हम अपने बाल पे भी जो है चावल का पानी लगाते हैं। और एलोवेरा के तो बहुत ही ज़्यादा फायदे है ही, एलोवेरा डाल के लगाने से हमारे बाल की नरिशमेंट अच्छी होती है, बाल की जो खोई हुई बेजान जो बोलते हैं खोई हुई चमक है वो वापस आती है। इस तरीके से आपको जो है पूरे बाल पे अच्छे से अप्लाई करना है, लगा लेना है और लगा के आपको 5 मिनट तक इसको अपने बाल पे छोड़ देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने शैम्पू किया है और शैम्पू करने के पहली बार के इस्तेमाल से आपको बाल में बहुत ही ज़्यादा फर्क लगेगा, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम लगेंगे, बालों की जो जड़ों से जो प्रॉब्लम्स होती है वो सुलझ जाती है और आपके बाल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का पानी मैंने बताया आपको कि नॉर्मली लोग जो है चावल का पानी फेंकते नहीं है, वो अक्सर पेड़ पौधा में डालते हैं। इसे कहा जाता है कि पेड़ पौधे की जो ग्रोथ है ना अच्छी होती है, जड़ों से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो सेम अप्लाई करते हैं अपने बालों के लिए, बालों का जो रुका हुआ ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू हो जाता है और हमारे बाल लंबे, घने, मुलायम, बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। तो जरूर ट्राई करें ये वाला DIY अपने बालों के ऊपर और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने अपने बाल पे ये वाला DIY अप्लाई किया कि नहीं किया। मेरे बाल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और मुलायम लग रहे हैं और देखने में भी आप देख सकते हैं। तो अच्छा लगे आज का वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप सबसे फिर से मिलती हूँ एक नई DIY में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।